गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के साथ मिल रही हूँ आप लोगों से। इसका मतलब है मैं नहा के पूजा कर चुकी हूँ। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि नाश्ता करने में तभी बैठती हूँ, और बाद में ले लिया था मैंने आलू के पराठे बना करके, वो भी पालक लगा हुआ आटा, तो बढ़िया सा ब्रेकफास्ट हो गया। ये दोपहर के लंच की थाली है, और बनाए थे दोपहर में कोफ्ते। कोफ्ते के साथ तो राइस होना मस्ट है क्योंकि फिर और अब्र के आने के बाद हमने डिनर लंच किया था, सॉरी 3 बजे के बाद। फिर शाम को निकल गई थी मैं सोमिन के साथ वॉक करने, और सोमिन के साथ वॉक करना मतलब आपकी कोई वॉक नहीं हो सकती है। इसलिए नहीं हो सकती है कि भाई सब कहीं भी बिज़ी हो जाते हैं, तो इनको अक्सर ये देखिए आगे आगे पीछे पीछे इनके जो चल रहा है, इनका सिंहासन है लेके हम चल रहे हैं, और ये अपना आगे निकल गए हैं राउंड पे राजा साहब। तो राजा साहब का ये हाल है कि ये बीच बीच में गिर पड़ते हैं, अभी ना बैलेंस उतना अच्छा नहीं है। ये देखिए बोलते ही गिर गए, तो इनको फिर उठा के हमने 2-3 बार जब ये गिर गए तो हमने इनको पकड़ के इनके सिंहासन में बैठा के और इनको बेल्ट लगा दी ताकि हम सुकून से टहल सके, क्योंकि ये टहलेंगे तो हम कैसे टहलेंगे, राइट। ये देखिए लड़खड़ाई लड़खड़ाई कदम। फिर रात में हम करते हैं डिनर, और लौकी की सब्ज़ी बनी थी, सुबह के थोड़े से कोफ्ते थे, रोटी के साथ में ले लिया, खा लिया, बहुत मस्त डिनर था। सुबह है अब्र का स्कूल, तो ये तैयार कर रही थी मैं, एक्टिविटी थी तो कार्डबोर्ड का डब्बा कुछ ऐसे कट करके ले जाना था, पेन होल्डर बनाना था। दोस्तों आज पूरा दिन दिल्ली NCR में बहुत ही हड़कंप का माहौल रहा। जैसे कि सुबह सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद स्कूल से मैसेज आया हम लोगों को व्हाट्सएप पे कि बच्चों को वापस बसों से भेजा जा रहा है, जो प्राइवेट डिस्पर्सल्स हैं वो आकर अपने बच्चों को लेके जाएं। स्कूल में बॉम्ब होने का जो थ्रेटन दिया गया था मेल के थ्रू, जान निकल गई थी हम लोगों की, और सभी की हालत ख़राब थी। बाबा की कृपा है पूरी पूरी कि कुछ ऐसी अनहोनी हुई नहीं। आप सोचिए अगर ऐसा कुछ हो जाता, कहीं पर अगर मिल भी जाता तो क्या हाल होता। बच्चे डर गए हैं, बच्चे स्कूल जाने को तैयार नहीं हैं, पेरेंट्स डर गए हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो। क्यों इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्यों कुछ लोगों की स्वार्थ सिद्धि में आम जनता होम होती है, और उसमें भी बच्चे टारगेट किए जाते हैं। आज हम सभी पूरे तरीके से हिले हुए हैं, पूरे दिन लगातार न्यूज़ चल रही है, चैनल पे देख रहे हैं कि क्या बताया जा रहा है क्या नहीं। अपने तो अपने स्कूल में देखा डॉग स्क्वाड वगैरह को घुसते हुए ना, तो वो इतना डर गया है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा कल, बहुत बहुत बुरा हाल है। एक दो दिन लग जाएंगे बच्चों को भी नॉर्मल होने में। सबसे बड़ा आशीर्वाद ये रहा बाबा का कि कोई अनहोनी घटना कहीं नहीं हुई। आप लोग भी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें अपने अपने घरों में, जो जहां भी रहे। नमस्कार दोस्तों।